डेजर्ट एरिया बेटा, रेगिस्तान वाला, मतलब ऐसी जगह पे हम बीच देख रहे हैं। अरे वाह, हम बीच आ भी गए, लेट आए। अरे वाह, बोला कुछ हम नहीं जा पाएंगे। आप नहीं जा पाओगे? क्यों भला, आपको तो जाना ही जाना है। हम बीच पहुंच गए, यानी प्ले एरिया। वाओ, यहाँ प्ले एरिया भी है हमारा। चलो आ गए, आप रेडी हो? चलो पहले आगे बैठ। इतनी धूप में कौन आएगा यार, इतनी धूप में कौन आएगा? अनिका स्कूटर आ गया है। कुछ कुछ तो बंदे आ रहे हैं या जा रहे हैं। यहाँ तो लू चल रही है, लू चल रही है ऐसे लग रहा है। ये सही टाइम पे आ गए होंगे मॉर्निंग में, इस टाइम तो जाने ही ठीक है। ओ नो, वही तो। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना ही कोई शॉप लग रही है। ये कैसे दिन की तरह हो गया जब हम आबूधाबी में फर्स्ट टाइम बीच गए थे। यहाँ कतर में वैसे हम सेकंड टाइम बीच आ रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं है। स्विंग एरिया भी नहीं, स्विंग एरिया तो ओपन होगा शायद उस साइड। और पूरा एरिया खाली लग रहा है। आज धूप थोड़ा सा कम है, लेकिन ये बीच में पानी तो बहुत दूर है। कैसे होगा, यहाँ तो स्विंग नहीं हो पाएंगे आई थिंक। आनी, पानी में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लगता है। इतनी दूर पानी क्यों है यार, इतनी दूर पानी है यहाँ तो। सभी बीचेस में बहुत कम, पास में ही रहता था वैसे पानी, लेकिन आज तो सिटी में बहुत दूर पानी है। ओ, ऐसे बीच में तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं जो इतना दूर है। इन्होंने अपना हट एरिया ढूंढ लिया, बैठने का स्पेस सही है, बंदे कोई है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे तो बंदों ने बारबेक्यू बनाया क्या? लग रहा है ना, तो ये बारबेक्यू का ही एरिया है शायद। यहाँ पे अपनी अपनी अंगड़ियाँ रखी हुई है। नहीं अभी नहीं, चलो यहाँ पत्थर है, यहाँ भी उतरना ही पड़ेगा। यहाँ तो आने ही वेस्ट हो गया लगता है, पानी तो बहुत दूर है। ये तो डेजर्ट में पानी ढूंढने वाली बात हो गई कि इतना दूर, कम से कम 5-10 किलोमीटर आगे जाओ। आगे में हाँ, इससे तो कटारा बीच था। अरे उसी ड्राइवर को बोल देते भैया हमें कटारा ले जाओ, कटारा भी ज्यादा बेस्ट था। और हम तो नो, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा रियांश तुम्हें? स्विमिंग गॉगल भी इसे, ये बात तो है। वेयर इज वाटर, सी वाटर कितनी दूर है?
वहाँ पे हैं दो लोग, कुछ दिख रहे हैं लोग। हाँ, कुछ तो गए हुए हैं यहाँ पे भी लोग बैठे थे कुछ कुछ। हाँ दो तीन बंदे, एक तो चले गए, एक फैमिली तो अभी निकली ना यहाँ से। हाँ वो लोग भी आए होंगे, देख के चले गए होंगे। ये मत तो है, कुछ फायदा नहीं है। चुनू यहाँ पैर में चुभ जाएगा कांटे। लेकिन यहाँ रुक के भी फायदा नहीं होगा यार। क्यों, क्या करना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शाम को धीरे धीरे आएगा पानी इधर। शाम तक का वेट करूँ मतलब कि हम एरोप्लेन थोड़ा सा पास जाके देखते हैं पानी के आखिर कितना दूर है पानी। लेट्स गो मिस सनी, नहा लेंगे। आपको लगता है आप यहाँ नहा पाओगे बेटा?